हेलो एवरीवन, कैसे का है। आज की इस वीडियो लेक्चर में 27 जनवरी 2024 में शिफ्ट 2 में केमिस्ट्री में आए हुए प्रॉब्लम का एनालिसिस करने जा रहा हूँ। और मैं आपको इस वीडियो लेक्चर के थ्रू बता दूंगा कि ये सारे के सारे प्रॉब्लम का जो कंसेप्चुअल ट्रिक्स है वो रफ़ी सर ने अपने वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी पहले बता रखा है। इसलिए जिसको केमिस्ट्री में मेंस में 75+ लाना है विदाउट टू मच एफर्ट, तो आप मेरे सिंपल ट्रिक्स वाले वीडियो लेक्चर को फॉलो कर सकते हो। और वो सारे के सारे 11th एंड 12th की केमिस्ट्री सिर्फ 40 आवर्स में मैंने कंप्लीट किया हुआ है, तो अब बस उसको देख लो, आपका इजीली हो जाएगा। तो ध्यान से देखें, क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो इस टाइप से था कि कौन इसमें से टेम्परेचर के साथ चेंज होगा, वेरी करेगा। तो वेरी सिंपल है, जो वॉल्यूम से रिलेटेड होंगे, वॉल्यूम से रिलेटेड कौन था, मोलारिटी। इसके बारे में ट्रिक्स मैं सॉल्यूशन में वीडियो लेक्चर नंबर 1 में दे रखा हूँ, वहाँ जा कर के आप देख सकते हैं वो ट्रिक्स को। बाकी नहीं होंगे क्योंकि ये सब मास से रिलेटेड है, राइट। क्वेश्चन नंबर 2, कैन नॉट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसके बारे में ट्रिक्स रेडॉक्स में वीडियो लेक्चर नंबर 1 में दे रखा हूँ। और ट्रिक्स क्या है कि अगर कोई एलिमेंट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो वो ऑलवेज ऑक्सीडाइजिंग का काम करेगा। यहाँ पे मैग्नीज +7 में ऑक्सीडाइजिंग होगा, यहाँ पे सल्फर +6 में हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग होगा, यहाँ पे ब्रोमीन +5 में ये भी ऑक्सीडाइजिंग हो सकता है, बट नाइट्रोजन अपने सबसे लोएस्ट में है तो ये कभी भी ऑक्सीडाइजिंग नहीं हो सकता, ये रिड्यूसिंग ही होगा, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो अदर को रिड्यूस करें, इटसेल्फ ऑक्सीडाइज हो। तो अब इसके पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ऑक्सीडाइज ही होगा, इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो कैन नॉट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका ट्रिक्स रेडॉक्स वीडियो लेक्चर नंबर 1 में देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, फिनॉल कैन बी आइडेंटिफाइड बाय, तो ऑप्शन थे लिकास, तो लिकास से फिनॉल को नहीं करते हैं, ओनली अल्कोहल के लिए होता है ये। कार्बाइल अमाइन जो है वो 1 डिग्री अमाइंस के लिए होता है, राइट, एलिफैटिक वाले। थैलीन ये हो सकता है, टॉलिन वैसे भी अल्डिहाइड या कीटोन के लिए होता है, तो इसलिए ऑप्शन सी होगा। इसके बारे में भी आपको ट्रिक्स ऑल टेस्ट कर करके एक वीडियो लेक्चर बना हुआ है, वहाँ पे आप जाकर के देख सकते हो। वैसे मैं सबका लिंक भी डाल दूंगा, तो आप ध्यान से देखना कि ये सारे रफ़ी सर ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 में D2SP3 हाइड्रेशन किसका होगा, तो वेरी सिंपल था, BrF5 का तो होगा नहीं, 5 सिग्मा एक लोन पेयर, तो SP3D2 होंगे। SF6V SP3D2 होगा, तो ये नहीं हो सकता। कोबाल्ट कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो यही हो जाएगा, राइट, वैसे भी ये नहीं हो सकता क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। और इसके बारे में जो ट्रिक्स है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले वीडियो लेक्चर में दे रखा हूँ मैं, वीडियो लेक्चर नंबर 3 होगा और पार्ट 1 लिखा होगा, आप वहाँ पे देख सकते हो जाकर के। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका ईथर का HI से रिएक्शन है, राइट, तो आपको इस बारे में बता रखा हूँ कि अगर मैं इस साइड से बॉन्ड को ब्रेक करूँ तो यहाँ पे प्लस ज़्यादा स्टेबल होगा, क्यों, क्योंकि 9α H होंगे, तो इधर से हमें मुझे ब्रेक करना पड़ेगा, तो इधर से ब्रेक करेंगे तो ये ऑक्सीजन के साथ इसका हाइड्रोजन OH आ जाएगा, और इधर में 3 मिथाइल ग्रुप पे आपका आयोडीन आ जाएगा, राइट, तो ये हमें प्रोडक्ट मिल जाएंगे। इसके बारे में अगेन मैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करके एक वीडियो लेक्चर बना रखा हूँ, और उसमें पहला वीडियो लेक्चर में ये कंसेप्ट मैं डिस्कस कर रखा हूँ। तो ये जो बेटा मैंने लिख रखा है, आप जाकर के देखो कि वाकई में रफ़ी सर सही बोल रहे हैं या गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में, विच विल नॉट गिव SN1 रिएक्शन, और ये 4 ऑप्शन गिवेन थे, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो पॉजिटिव सिंगल डबल से रेजोनेंस करेगा, तो ये तो देगा। यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज अगर आएगा तो वो रेजोनेंस करेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव आएंगे तो यही नहीं दे सकता SN1, राइट, और ये तो आपका 3 डिग्री है तो SN1 दे गए, बाय द वे ये SN2 भी नहीं दे सकता। तो इसके बारे में हमने वीडियो लेक्चर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर करके फर्स्ट वीडियो लेक्चर है, ये ट्रिक दे रखा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में D10 कॉन्फ़िगरेशन किसका होगा, तो इसके बारे में डी ब्लॉक में फर्स्ट वीडियो लेक्चर है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे ट्रिक से लिखते हैं दे रखा हूँ। कॉपर एक्सेप्शन था, D10 4S1 होता है, जिंक 30 वाला D10 होगा, कैडमियम उसी के फैमिली का हो गया, राइट, जैन कनाडा होगा से हमने याद करवाया हुआ, तो यहाँ भी D10, और सिल्वर क्यों आगे आऊँ से याद करवाया, तो ऑप्शन 1 ही हो जाएंगे, बाकी में नहीं हो सकते, जैसे निकेल में D10 नहीं हो सकता, यहाँ पे पहचानना तो आयरन में नहीं हो सकता, यहाँ पे आपको दिख रहा है अगेन आयरन में नहीं हो सकता, तो ये सारे ट्रिक्स मैं दे रखा हूँ, आपको ध्यान से देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 में करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट था ये पूछा गया है, तो C+4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, तो यस, क्यों, क्योंकि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में तो ऑलवेज ऑक्सीडाइजिंग का काम करेगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, रिड्यूसिंग हो नहीं सकता था। C+3 नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें आपका इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, राइट, डी में एक, और
सी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो ये भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे सी जो है वो जीरो है। तो ये एफ ब्लॉक में आपको ट्रिक दे रखा, वहाँ पे जा कर के आप देख सकते हो। सी जो है सी गॉड लव से इसका जेनॉन 54 हो जाएगा, राइट। फिर 6s2 56 हो जाएंगे और ये 5d1 4f1 होंगे। जब आप तीन इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो एस से पहले दो निकलेगा, राइट, और फिर आपका 5d और 4f में से बार वाले सेल तो डी से आपको निकालना है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो एफ में एक बचेंगे, इसलिए नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, स्टेटमेंट टाइप थे कि ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता ऑलवेज, तो रॉन्ग है ये, प्लस भी शो कर सकता है अगर फ्लोरीन शो, तो जीरो भी शो कर सकता है, -1 भी हो सकता है परऑक्साइड में, राइट। तो ये रॉन्ग था। और जो स्टेबिलिटी है +6 वाला 16 ग्रुप में, वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है, यस ये करेक्ट था। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो रॉन्ग था, इनकरेक्ट, और स्टेटमेंट 2 जो था वो करेक्ट था, राइट। इसके बारे में रेडॉक्स में मैं ट्रिक्स दे रखा हूँ, तो आप ध्यान से देखो, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आपके रफी सर के ट्रिक्स वाले वीडियो लेक्चर से बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अगर T99% एक्स टाइम्स ऑफ T 50% है तो एक्स बताना है। तो इसके लिए मैंने ट्रिक्स दे रखा है केमिकल काइनेटिक्स में वीडियो लेक्चर नंबर 5 में, कि TX% निकालना हो तो वो 1/K ln ऑफ 100/100 -X हो जाएगा। तो अगर मैं T99 के लिए लूँ तो क्या हो जाएगा, 1/K ln ऑफ 100/0.1, राइट, जो कि अगर ये हटाओगे तो 1000 हो जाएगा, राइट। और उसके लिए 1/K ln ऑफ 100/100 -X, तो 100 -50 कितना हो जाएगा, 50। तो आप अगर ध्यान से देखो तो T99.9/T 50% अगर मैं निकालूँ तो ऊपर में ln 1000 हो जाएगा, नीचे में ln 2, तो ये 3/0.3 डेट इज 10 हो जाएगा, क्योंकि नेचुरल लॉग को अगर लॉग में कन्वर्ट करेंगे 2.303 कैंसिल हो जाएगा रेशियो है। तो ये मैं ट्रिक्स में दे रखा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 में, 84 ग्राम NaOH प्रेजेंट 3 मोलर सॉल्यूशन, फाइंड वॉल्यूम। तो ये सॉल्यूशन में वीडियो लेक्चर नंबर 1 में ट्रिक दे रखा हूँ, और वेरी सिंपल, जो मोलर है, मोलारिटी का फॉर्मूला, मोलारिटी क्या होता है, मोल्स बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हमें निकालना है, मोलारिटी 3 है, मोल्स कैसे निकाल सकते हैं, 84 गिवन वेट बाय 40, और ये वॉल्यूम निकालना, ध्यान रहे वॉल्यूम लीटर में आएगा, हमें आंसर ml में देना था। तो यहाँ से v क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, 84 बाय 40 इंटू 3, तो ये 3 से 28, ये 10 टाइम्स, ये 7 टाइम्स, ये लीटर में आया। तो अगर ml में ले जाना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, 700 ml, राइट। क्वेश्चन नंबर 12 में, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ये वीडियो लेक्चर केमिकल बॉन्डिंग में #3 में दे रखा हूँ, अब वहाँ पे ध्यान से देख सकते हो, नॉन पोलर वाटर पोलर हो जाएगा, राइट, क्योंकि बेंड शेप या वी शेप है, SO2 का भी ऐसा स्ट्रक्चर होगा, BF3 ये नॉन पोलर है, H2 नॉन पोलर है, क्योंकि यहाँ पे चारों सराउंडिंग एटम सेम नहीं है, तो ये भी नॉन पोलर होंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 इंटीजर टाइप में। क्वेश्चन नंबर 13 में, कायरल कार्बन कितने में प्रेजेंट है, ये आइसोमेरिज्म में, वीडियो लेक्चर नंबर 2 में ट्रिक्स दे रखा हूँ। तो ध्यान से देखो तो ये कायरल कार्बन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि चारों ग्रुप क्या है, डिफरेंट है, और एक ग्रुप बाय द वे कौन है, हाइड्रोजन है, राइट। यहाँ पे कोई भी नहीं है, यहाँ पे दोनों सेम हो गया तो नहीं हो सकता, यहाँ पे ये वाले कायरल, क्योंकि ये डिफरेंट, ये डिफरेंट, ये डिफरेंट, एक बाय द वे हाइड्रोजन होगा, तो अगेन इसका भी आंसर क्या रहेगा, 2। तो ये सब मैं अपने वीडियो लेक्चर में बता रखा हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 में, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फॉर पाश्चन सीरीज पूछा गया हाइड्रोजन एटम में, चूंकि पाश्चन सीरीज है, राइट, तो N1 आपको मालूम है 3 हो जाएगा, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है तो इसलिए N2 कितना लेना पड़ेगा, जस्ट उसके ऊपर वाला, तो 4, राइट। और हाइड्रोजन एटम है तो 1/λ = r, z² तो 1 ही हो जाएगा, राइट, 1/N1² तो 9, 1/N2² तो 16, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, r × इसका एलसीएम लोगे तो 144, तो राइट 16 - 9 कितना हो गया, 7। तो यहीं से देख सकते हो लेमडा क्या हो जाएगा, इनवर्स में है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हो 144/7r, तो आप इससे कंपेयर करेंगे तो अल्फा कितना आ जाएगा, 144, तो ये ऑप्शन हो जाएंगे, वेरी सिंपल था ये। वैसे एक क्वेश्चन, वर्क फंक्शन अगर 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बताना है, ध्यान दे SI यूनिट में था, तो वेरी सिंपल है क्योंकि ये हर्ट्ज में थे। तो वर्क फंक्शन, तो यू नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का हो गया, E = E0 + KE,
चूँकि थ्रीशोल्ड है तो इसको जीरो कर देंगे, तो ये एच एफ नॉट इज इक्वल टू ई नॉट वर्क फंक्शन गिवेन है 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जो उसमें ऐसा यूनिट में आ जाएगा। हेच की वैल्यू आपको मालूम है, तो यहाँ से एफ नॉट कितना हो जाएगा 6.6 1.6 10 की पावर माइनस 19 बाई हेच हो जाएगा 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर जाएंगे तो ये 1.6 इंटू 10 की पावर 15 आएगा, जिसको 16 इंटू 10 की पावर 14 लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूँ तो x मेरा कितना आ जाएगा 16। तो ये हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर वीडियो लेक्चर नंबर 5 में इसका ट्रिक्स डिस्कस कर रखा हूँ, ये वाले का अगेन एटॉमिक स्ट्रक्चर में वीडियो लेक्चर नंबर 6 में, तो आप देख करके क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16 में म्यू आपको बताना है पी डी एन एस थ्री होल टू सी एल टू का, तो इसका मैं ट्रिक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वीडियो लेक्चर नंबर 5 में डिस्कस कर रखा हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये नहीं पढ़ोगे पीटोगे, निकल फैमिली का है राइट, और पी डी जो है वो प्लस 2 में है। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, चूँकि 4D या 5D सीरीज वाले अगर एलिमेंट होते हैं तो सारे लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड का काम करते हैं, तो PD प्लस 2 है तो D8 कॉन्फ़िगरेशन है, और चूँकि स्ट्रॉन्ग फील्ड होंगे तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो राइट, तो स्क्वायर प्लेनर होगा तो कैसे स्प्लिटिंग किया था इस टाइप से, तो आपके सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो इसी में भर जाएंगे राइट, तो कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो म्यू कितना हो जाएगा 0, तो इंटीजर टाइप में ये पूछा गया। वैसे ही एक क्वेश्चन था कि ये एटॉमिक नंबर सब गिवन थे, इसमें कितने एटॉमिक नंबर नोबल गैस के हैं, तो ये मैं पीरियोडिक टेबल में वीडियो लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस कर रखा हूँ। नोबल गैस के एटॉमिक नंबर आपको मालूम है 2, उसके बाद 8 जोड़ेंगे तो 10, फिर 8 जोड़ेंगे तो 18, फिर 18 जोड़ेंगे तो 36, 54, 86 एंड 118, तो ध्यान से देखो एक भी मैच कर नहीं कर रहा है, तो क्या हो जाएगा आंसर इसका भी 0। तो ये सारे के सारे जो है मैं अपने ट्रिक्स वाले वीडियो लेक्चर में बता रखा हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 में इस टाइप से ये गिवन था सीरीज में, तो ध्यान से देखो तो पहले PaCH डबल बॉन्ड CH2 है B2S6, तो राइट हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ये एल्कीन के ऑक्सीडेशन वाले वीडियो लेक्चर में बता रखा हूँ। तो पहले केस में आपका बन जाएगा PhCH, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे राइट, ये CH2, ध्यान दें ये जो बनता है प्रोडक्ट वो एंटी मार्कोनिक, तो इधर OH लगेगा और इधर आपका H लग जाएगा। उसके बाद HBr है तो ये OH हट करके क्या आ जाएगा Br आ जाएगा। उसके बाद Mg ड्राइथर है तो ग्रिग्नार्ड एजेंट बन जाएंगे, तो बीच में कौन इंसर्ट हो जाएगा PaCH2CH2MgBr, ग्रिग्नार्ड एजेंट बन जाएंगे। फिर इसकी रिएक्शन किससे कराना है HC डबल बॉन्ड OH से, तो ये निगेटिव बनाएगा और ये इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेंगे, तो क्या बन जाएगा PhCH2CH2 इस कार्बन पे अटैक होगा तो CH2 और OH आ जाएगा, तो ये आपको फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएंगे। तो इस टाइप से पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में डेल्टा एच नॉट और डेल्टा एस नॉट गिवेन है, तो लॉग 1/k की वैल्यू बताना है। तो वी नो 19 कि डेल्टा जी नॉट जो होता है वो डेल एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट होता है, तो यहाँ पे ध्यान से देखना डेल एच नॉट किलो जूल में 77.2 माइनस टी 300 डेल्टा एस 48 और डिवाइडेड बाय 1000 करना नहीं भूलेंगे क्योंकि किलो जूल में ले जाना है, तो ये 20 से ये 20 कैंसिल हो जाएंगे राइट, तो ये 4.8 इंटू 3 तो ये 14.4 आ जाएगा, 77.2 में से माइनस करोगे तो ये 62.8 किलो जूल हो जाएंगे। वी नो कि जो डेल्टा जी नॉट होता है वो माइनस में 2.303 RT लॉग के इक्विलिब्रियम हो जाएंगे, तो यही लॉग 1/k आपसे पूछा था, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो ये माइनस ऑफ लॉग के क्या हो जाएगा डेल्टा जी नॉट, ये सब डिवाइड में आ जाएंगे, तो डेल्टा जी नॉट 62.8 है किलो जूल में है, तो 10 की पावर 3 बाय 2.303 R आपका ले लेंगे हम T 300 था और R 8 के आसपास लेते हैं, अप्रॉक्स कैलकुलेशन में ऑप्शन गिवन था इसके लिए, तो ये माइनस है तो ये लॉग 1/k हो जाएगा राइट, तो इसको आप अप्रॉक्सीमेटली सॉल्व करोगे तो ये आपको 11 के आसपास आ जाएगा, तो आंसर विल बी 11 या 10 के आसपास, तो ऑप्शन है। तो इस टाइप से पूछा गया, ये वीडियो लेक्चर थर्मोडाइनमिक्स 6 में मैं बता रखा हूँ इसके ट्रिक्स। और अगेन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अगर किसी PH3 वाले सॉल्यूशन में आपको बताना है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा 25 डिग्री सेल्सियस पे,
तो वेरी सिंपल, हाइड्रोजन की बातें हो रही हैं तो उसका स्टैंडर्ड ईएमएफ तो जीरो लेते हैं, तो राइट नेक्स्ट इक्वेशन लगा सकते हैं, तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट, तो वही जीरो हो गया, माइनस में 0.059 बाई एन, तो यहाँ पे ध्यान दो तो H2 आपका कन्वर्ट होगा 2H प्लस प्लस दो इलेक्ट्रॉन में, चाहे आप ऐसे लिखो या हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, सेम ही बात रहेगी राइट। तो ये N2 हो गया, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का क्या हो जाएगा स्क्वायर राइट, और क्योंकि स्टोइकोमेट्री 2 है तो यहाँ से ध्यान से देखो तो माइनस ऑफ लॉग H प्लस pH हो जाएंगे, तो ये माइनस वाला उधर ले रहा हूँ, तो ये 0.059, ये जो पावर में 2 है वो 12 का, तो ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो इन 2 में क्या हो जाएगा pH, तो आपको 0.059 pH 3 है राइट। तो 10 की पावर माइनस 2 में बताना था, ध्यान से देखो तो ये अप्रॉक्स 18 इंटू 10 की पावर माइनस 2 आएगा, सो आंसर विल बी 18। तो जस्ट मैं ये एक आइडिया दिया हूँ कि ये सारे क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेरे सिंपल ट्रिक्स वाले वीडियो लेक्चर में ये सारे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट डिस्कस हैं, इसलिए अभी भी जिसको चाहिए कि केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करना है तो आप मेरे वीडियो लेक्चर को फॉलो करोगे, ज़रूर आपका हो जाएगा। थैंक यू।